हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास सेवन्थ के इंग्लिश जो सैम्पल पेपर है, इंग्लिश सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर, उसको कर रहे हैं। इसका पार्ट वन हम पहले ही कर चुके हैं, आज हम पार्ट टू करेंगे। जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो वहाँ से देख कर ज़रूर रिविज़न कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर सब्जेक्ट का जो सैम्पल पेपर है वो मैंने उसके लिए वीडियोज़ बना दिए हैं। आप हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हैं। तो हम सेक्शन सी का जो फिफ्थ क्वेश्चन था हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन जो सेक्शन सी है उसका सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन इस वीडियो में खत्म करेंगे कि इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन सी का सिक्स क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एनी फोर, फोर और वन मार्क्स के। देखो क्या कहा है, यहाँ पे डिग्री बनानी है हमको, डिग्री और फाइव दी गई है जिसमें से हमें फोर करना है। तो थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं जिससे कि लिखना थोड़ा आसान हो जाए। तो सबसे पहले इजी, देखो पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, इसका वीडियो बन चुका है, वर्कशीट में आया था जिसमें बहुत अच्छे से डिग्रीज दी गई थी। आप वहाँ से एक बार रिहर्सल जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं इनमें फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा। इजी, इजियर एंड इजीएस्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इजियर। ये मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मोस्टली में ER लगता है ज़्यादातर, लेकिन बहुत जगह चेंजेस भी आ जाते हैं वो हम देखेंगे। और सुपरलेटिव में EST लगता है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है एग्जाम में तो, और इस तरह से डिग्री आती है, तो आप ER सेकेंड फॉर्म में जो कंपेरेटिवली है और सुपरलेटिव में EST लगा दीजिएगा। लेकिन कुछ कुछ जगह चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि अभी हम देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या आया, हैप्पी। तो हम यहाँ पे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो हम यहाँ पे हैप्पी लिख देंगे। हमने यहाँ पर हैप्पी लिख दिया। एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे हैप्पी लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट गुड। अब यहाँ पे देखो डिग्री पूरी तरह चेंज हो गई है। गुड, बेटर एंड बेस्ट लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है डैश, बिगर एंड बिगेस्ट। तो क्या बनेगा, बिग। तो यहाँ पे देखो बी जो जी है डबल हो गया। तो थोड़ा थोड़ा रूल्स होते हैं अलग अलग, आपको इनको एक बार वो वीडियोस देख लोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डिफिकल्ट, डैश एंड मोस्ट डिफिकल्ट। तो कई बार क्या होता है हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर डिफिकल्ट। मोर यहाँ पे हम लिख देंगे डिफ़िकल्ट। तो ये आपकी एडजेक्टिव है जिसको आपको सॉल्व करना है। अच्छे से आप करिएगा प्रैक्टिस ज़रूर, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जहाँ से हम मार्क्स ले सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर सिक्स था, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। देखो क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कहा गया, मैच द वर्ड्स इन बोल्ड विद द वर्ड्स अपोजिट इन द मीनिंग। हमें जो यहाँ पे डार्क में जो शब्द दिया गया है, वर्ड दिया गया है, उसका अपोजिट देखना है। जैसे कि अ शैलो लेक, शैलो का मतलब कि लाइट हो जाता है, हल्का हल्का, तो उसमें क्या हो जाएगा, डीप। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है। कलर ले लेते हैं, हम थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं। उसके बाद कॉस्टली, अ कॉस्टली ड्रेस, मतलब कि हम लिख देंगे अ चीप ड्रेस। तो हम यहाँ पे ये हो जाएगा सेकेंड का, अ चीप ड्रेस। उसके बाद डर्टी क्लोथ, मतलब गंदे क्लोथ, तो इसका अपोजिट लेना हमको, क्लीन क्लोथ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा थर्ड का, ठीक है। और नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट में क्या है, अ शार्प नीफ, मतलब एक तीखा नीफ, तो हम लिख देंगे ए ब्लंट नीफ। तो ये हो जाएगा फोर्थ का। तो अच्छे से इस तरह से आपको मैच करने हैं अपने क्वेश्चन में। वहाँ पे पेपर में दोनों ही कॉलम बना लीजिएगा, कॉलम वन एंड कॉलम टू, और उनको आप मैच कर दीजिएगा, अपोजिट यहाँ पे मैच करने हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे देखते हैं। इजी है पेपर, ज़्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा समझने वाला है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, वर्ब्स की हमें करेक्ट फॉर्म लगानी है जो ब्रैकेट में दी गई है। चार क्वेश्चन दिए गए हैं, तीन क्वेश्चन हमको करने हैं। अब इसको भी थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं जिससे कि लिखना थोड़ा सा आसान हो जाए। देखो क्या कहा गया, आई डैश हिम एट द बस स्टॉप एवरी डे। आई मीट, फर्स्ट फॉर्म है देखो, इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई मीट हिम एट द बस स्टॉप एवरी डे। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर। समीर डैश फॉर अ वॉक नाउ, तो समीर गोज आ जाएगा। जब भी सिंगुलर फॉर्म होते हैं तो ES लगा देते हैं हम, तो हम लिख देंगे समीर गोज फॉर अ वॉक फॉर नाउ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई डैश द स्कूल लास्ट मंथ। यहाँ पे कब की बात हो रही है, लास्ट मंथ की, पिछले मंथ की। तो पास्ट टेंस यहाँ पे आएगा, पास्ट के लिए हम क्या करते हैं, ED लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे joined, EOD, मतलब इसके पीछे हमने ED लगा दिया। तो हम लिखेंगे आई joined द स्कूल लास्ट मंथ। नेक्स्ट देखिए, राकेश डैश फॉर अ वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो फिर राकेश जाने की बात हो रही है, तो सिंगुलर फॉर्म है इसलिए हम यहाँ पे गोज लिख देंगे, राकेश गोज फॉर अ वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें से तीन क्वेश्चन करने हैं वन वन मार्क्स के क्वेश्चन से। आपने आई होप अच्छे से कर लिया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अब इसका है डी पार्ट, अब है इसका लिटरेचर का पार्ट। तो लिटरेचर में देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं हम, थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेते हैं जिससे कि आपको रीड करवा दें। अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर से कुछ पैसेज आए हैं जिसको रीड करना है, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन। ये आपकी बुक में से आए हैं, जो भी आपकी इंग्लिश की बुक है उसमें से आए हैं, टू मार्क्स का है, वन क्वेश्चन से, ठीक है। देखो क्या कहा गया है,
द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ द बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड हिम. हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्टमक एंड विच ब्लड वॉज फ्लोइंग. वेन ही रीच द किंग ही फेंट एंड फेल द ऑन द ग्राउंड. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन क्लोथ्स एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन द स्टमक इन हिज स्टमक. द किल इज वॉज द कवर एंड विद द हैंडकरचीफ एंड बट द ब्लड वाउंड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. द किंग रीड्रेस द वाउंड एंड अंटिल द लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. देखो क्या यहाँ पे किंग की बात हो रही है. जब वो बियर्ड वाला मैन भागते हुए वहाँ पे आया था तो उसके खून निकल रहा था, तो जो किंग था और हर्मिट थे उन्होंने क्या किया था, इसको बचाने की कोशिश करी थी, उसको मतलब उसकी पट्टी वट्टी करी थी, ये सब किया था. अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द किंग सा इट डैश रनिंग टूवर्ड्स. किसको देखा था? बियर्ड मैन को. हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, बियर्ड जो दाढ़ी वाला इंसान था, बियर्ड मैन को क्या किया था, भागते हुए देखा था. तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर. सेकंड, डैश इज अ पर्सन हु लिव इन सोलिट्यूड, मतलब कि जो अकेले रहता हो. तो इसका आंसर हो जाएगा हर्मिट. हम यहाँ पे देखेंगे, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर. यहाँ पे लिखते हैं हम हर्मिट. हर्मिट इज अ पर्सन हु लिव इन सोलिट्यूड, जो अकेले रहता हो. अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है. स्टेट द स्टेटमेंट वट एवर ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताना है. द किंग एंड हर्मिट डिड देयर बेस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ द वाउंडेड मैन. वाउंडेड मैन को बचाने की हर एक कोशिश की थी. ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ट्रू आप लिख देंगे यहाँ पर, ट्रू. तो थ्री क्वेश्चन थे, ये आपको सॉल्व करने थे. ये हो गया हमारा नाइन्थ क्वेश्चन. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, टू क्वेश्चंस करने हैं आपको यहाँ पे भी. यहाँ पे एक पोयम दी गई है आपको. देर इज डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ थ्री क्रैकर्स पैन ऑफ ग्लास. आई ऑफन थिंक देर इज समवन टू सेट एट मी ईच टाइम आई पास. आई विल पीप थ्रू एट द विंडो वन डे. तो अगर ये पोयम आपको समझ नहीं है तो इसका वीडियो जरूर बना हुआ है मेरे चैनल पर, आप वहाँ से अच्छे से इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं. तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. टू क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, टू मार्क्स का है. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन. हम तीनों ही क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट का कहता है नेम द पोयम एंड द पोएट ऑफ द गिवन स्टाज. जो ये पैराग्राफ दिया गया है इसका आपको क्या करना है, पोयम का नाम बताना है और आपको यहाँ पर पोएट का नाम बताना है. तो सेकंड आंसर यहाँ पे द शेड. द शेड जो पोयम है उसमें से लिया गया है. फ्रैंकली फ्लेमी इसका जो पोएट है वो हो जाएंगे. ठीक है, सेकंड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें क्या कहा गया, एक द विंडो ऑफ द शेड वॉज डैश एंड डैश. जो विंडो थी, जो विंडो थी शेड की, शेड की जो विंडो की जो शेड थी वो कैसे थी, डस्टी थी और थ्री क्रैकर्स ऑफ ग्लास पैन. तो फोर्थ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. तो ये है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन. अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. वट क्वालिटी डज द पोएट विश टू हाईलाइट. किसको करना चाहता है, ब्रेव एंड करेजियस, करेजियस को. तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चंस ध्यान से देखेंगे आप. ये क्वेश्चन है 30 टू 40 वर्ड्स में लिखने हैं और आपको यहाँ पे पांच क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि फोर क्वेश्चन आपको करने हैं. तो यहाँ पे ये पांच क्वेश्चन जो है इनमें से आपको फोर क्वेश्चन करने हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है. इसके बाद में यहाँ पे आपका और कोई क्वेश्चन नहीं है. तो इस क्वेश्चन के लिए अलग से एक वीडियो, इस जो क्वेश्चन है इसके क्योंकि पूरे डिटेल में आंसर लिखने हैं, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी मैं. तो अभी के लिए यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. अगर आप इसके आंसर चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा. थैंक यू गाइज़.